ओके, लास्ट चैप्टर उन्होंने फेमा किया था, याद आया? कोई डाउट? नो, समझ आया था? फेमा का टेस्ट जरूर दे दो, है ना? फेमा का टेस्ट ले लें, बाकी तो सब हो ही जाएगा, फेमा नहीं होता है। कब है आपका अपकमिंग टेस्ट? कोई अनाउंस नहीं है? अरे ऐसे कैसे? रीरा पढ़ लिया तो फिर क्या ले? कल ले लें और क्या? रेरा का कल ले लें? हाँ, अरे और क्या? अरे तुम्हें क्या लेने देना रावण से? तुम्हें रावण से क्या मतलब? रावण की दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, वही तो, रेरा का ले लेते हैं कल। बहुत इजी बनाएंगे पेपर, पक्का सिंपल सा। हाँ, अरे ऐसे करके हम सारे प्रॉमिस कर लेते हैं। ऐसे करके पता है आपको ये सारे सिस्टम पता है ना? ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल 1 वालों के टेस्ट हो रहे, 2 वालों का कुछ हुआ नहीं था ना, काफी सूना 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 लग रहा था। नहीं, ओल्ड वालों का कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ, आज नहीं था, आज दो दो टेस्ट थे ना उन लोगों के। ओके ठीक है, तो कल हम लोग लेंगे रियल एस्टेट का टेस्ट। ओके, बाकी फिर उसका अगला जो टेस्ट होगा वो फेमा का लेंगे। ओके चलो, नाउ कम टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ओल्ड न्यू दोनों में होगा। ओके, क्या क्या पढ़ेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? कौन कहाँ पैसा लगा रहा है? अब हम लोग थोड़ा फॉरेन वाली ही चीजें पढ़ रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग फेमा से हुई, उसी का ही ये एक एडिशनल रोल है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग पैसा बाहर लगा रहे होंगे कि वो लोग यहाँ लगा रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स वो लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी कंट्री में FDI जब आता है तो हमारे लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाह रहे हैं। ओके, तो जो भी लोग बाहर है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए सरकार ने दो रूट्स बनाए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो रूट्स हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट। कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसा परसेंटेज है, कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है ये ऑटोमेटिक रूट है, यानी इन एरियाज में अगर बाहर वाले इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके लिए उनको कोई सेपरेट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ऑब्वियसली अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि यहां पर तो FDI अलाउड ही नहीं। क्यों किया ऐसा? FDI तो सब में 100% अलाउ कर देते। आपको पता है, अगर 100% FDI सब में अलाउड हो जाता तो वही हो जाता जिसको ठीक करने में 300 साल लग गए। समझ में आया? सोच के देखियो मैकेनिज्म। अगर बाहर वाले सारे लोग यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने का मतलब हमारी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, अगर यहाँ की सारे शेयर्स और सारी इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज मैनेज करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है फिर से बाहर वाले हम लोग के ऊपर रूल करने लग जाएंगे? ओके, तो इतनी मुश्किल से 300 साल तो लग गए आजादी पाने में, वो भी वो लोग थे जो दिला भी दी, है ना? आपसे तो वो उम्मीद भी नहीं है। तो सरकार ने कहा कि अब की जनरेशन से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बाहर वालों को अंदर आने ही ना दो। तो उन्होंने कहा अच्छा, बिल्कुल अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते तो हमारा काम ना चल पाता, हमें अर्निंग्स भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो, कुछ सेक्टर जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां ऑटोमेटिक रूट 100% FDI इज अलाउड। कुछ ऐसे सेक्टर जैसे एटॉमिक रिसर्च वगैरह वाले सेंटर्स वो होते हैं जिसमें हम लोग को डर होता है कि बाहर वाली एंटिटीज अगर पूरा कवर कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पर वो प्रोहिबिट कर देते हैं या फिर उसको अप्रूवल रूट में डाल देते हैं। तो बाहर वाले जो भी यहाँ पैसा लगा रहे हैं, यहाँ के शेयर्स ले रहे हैं कंपनी के, उनको कहा जाता है FDI, जिसको दो रूट्स में कवर किया जाएगा, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर कोडिफाइड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन। सेक्टर स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सेक्टर में अलग FDI है। अगर आप ये देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में गए और उस कंपनी में आप देख रहे हो कि FDI इतना परसेंट आ रहा है, अब उतना परसेंट FDI आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले क्या देखोगे कि वो कौन से सेक्टर में है, वो सेक्टर FDI ले भी सकता है कि नहीं ले सकता है, और अगर ले सकता है तो कितना परसेंट ले सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल एज इंटरनेशनल अग्रीमेंट प्राइमरीली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
and rules regulation issued thereunder. The main objective of FEMA is to regulate and consolidate and amend the law relating to foreign exchange, जो हम लोगों ने already पढ़ लिया है. अब जरा मार्क करिए FDI, introduction पे आ जाओ. FDI का मतलब क्या होता है? It means investment through equity instrument. Investment through equity instrument का मतलब बाहर वाले लोग जो है वो यहाँ पैसा लगा रहे हैं. किसके थ्रू लगा रहे हैं? शेयर्स लेके लगा रहे हैं. ठीक है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. कौन पैसा लगा रहा है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वाले लगा रहे हैं. अब ध्यान से मार्क करना, इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, या तो यहाँ के अनलिस्टेड कंपनी में लगा रहे हैं या फिर लिस्टेड कंपनी में लगा रहे हैं 10% और मोर. यानी दो क्राइटेरिया है. लिस्टेड कंपनी के लिए हम उसको एफडीआई तब मानेंगे जब वो यहाँ पर 10% से ज्यादा लगा रहे हो, और अनलिस्टेड में कुछ भी लगा रहे हो तो एफडीआई मान लिया जाएगा. ओके, तो दो क्राइटेरिया हैं. कह रही हैं एफडीआई मींस इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब वो लोग यहाँ पैसा लगा रहे हो, बदले में हम उनको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. ओके, बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी. अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में जितना भी लगा रहे हैं वो एफडीआई मान लिया जाएगा. और 10% or more of the post issue paid up equity capital on a fully diluted basis of a listed Indian company. यानी अगर listed वाले में लगा रहे हैं 10% से ज्यादा लगा रहे हैं तो वो FDI माना जाएगा, और unlisted में कितना भी लगा रहे हैं तो भी वो मान लिया जाएगा FDI है. ओके, ये लाइन जरा देखिए क्या लिखी है. In case an existing investment, मान लीजिए किसी foreign entity ने, ठीक है, non resident ने यहाँ पर लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 15% का. बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी बाहर नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में 15% का इन्वेस्टमेंट किया लिस्टेड कंपनी में, तो बताओ वो एफडीआई है कि नहीं है? है. फिर मान लो उसने 10% विड्रॉ कर लिया तो उसकी होल्डिंग कितनी हो गई? 5%. वो एफडीआई रहेगा कि अब नहीं रहेगा? ये पैराग्राफ पढ़ के बताओ, ये वाला रहेगा? कह रहे हैं इन केस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉल्स टू अ लेवल बिलो 10%, ठीक है, द इन्वेस्टमेंट शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज एफडीआई. तो एक बार अगर आपने 10% की लिमिट रीच कर ली है, उसके बाद भले ही आपकी इन्वेस्टमेंट कम क्यों ना हो जाए, वो एफडीआई कैटेगराइज माना जाएगा. क्लियर? ओके, इन्वेस्टमेंट का मतलब देखिए क्या होगा. इन्वेस्टमेंट का मतलब टू सब्सक्राइब, एक्वायर, होल्ड और ट्रांसफर एनी सिक्योरिटी और यूनिट इशूड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. तो हम यहाँ पर शेयर ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं शेयर्स का, वो सब का सब किस में कवर हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट में. एनी डाउट? ओके, अब देखो लिखा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ एफडीआई. यानी हमारे देश में एफडीआई पॉलिसी बनती है. एफडीआई पॉलिसी का मतलब होता है हर बार एक पॉलिसी बनाई जाती है कि किस सेक्टर में कितना कितना एफडीआई अलाउड होना चाहिए और कितना नहीं अलाउ होना चाहिए. और ये एफडीआई पॉलिसी कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो हर मतलब कुछ कुछ ईयर्स में क्या होता है, ये लोग रिव्यू करते हैं कि किस सेक्टर में कितना कितना परसेंट एफडीआई होना चाहिए. ओके, कह रहे हैं टू अट्रैक्ट हाई लेवल ऑफ एफडीआई गवर्नमेंट हैज पुट अ लिबरल पॉलिसी ऑन एफडीआई अंडर विच एफडीआई अप टू 100% इज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेक्टर. ज्यादातर सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है, क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि ज्यादातर लोग बाहर के जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करें ताकि हमारे पास फंड्स आ जाएं. ओके, अब नेक्स्ट आइए देखिए ये ब्लॉक जो लिखा है ये भी वही है जो हम लोग ने पढ़ लिया. डेफिनेशन पढ़ के देखिए, सेम है. एफडीआई का मीनिंग बताया है, अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर लें या लिस्टेड वाले में 10% से ज्यादा करें तो वो एफडीआई माना जाएगा. एनी डाउट? ओके, अब कह रहे हैं इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पस है एफडीआई का. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ non-debt financial resource for economic development. इस लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ? It is the major source of non-debt financial resource. FDI में और ECB में फर्क क्या हुआ?
FDI में भी बाहर वाले थे, ईसीबी में भी बाहर वाले थे, फर्क क्या हुआ? ईसीबी में हम उनसे पैसा लोन के फॉर्म में ले रहे हैं और FDI में हम उनसे पैसा शेयर के फॉर्म में ले रहे हैं। बेटर क्या है इंडिया के लिए? FDI टू सम एक्सटेंट, क्योंकि FDI में रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है भाई, उन्होंने शेयर लगाया है तो नॉन डेट है वो। नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब हमने रेज कर लिया, पैसा हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं होगा देंगे, आफ्टर ऑल दे आर द शेयर होल्डर्स। ईसीबी में क्या था? रीपेमेंट ऑब्लिगेशन थी कि भाई लोन लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। ओके, FDI flows into India have grown consistently and since liberalization as an important component of foreign capital. Block में mark करिए first वाला, it is the intent and objective of government to attract and promote FDI. सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा FDI हो। Even आपको पता है ज्यादातर बहुत सारे ऐसे laws भी हैं हमारी country में जो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि FDI हो, जैसे money laundering वगैरह। पहले क्या होता, ये मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ा भी था अगर आपको याद हो, पहले क्या होता था हमारी कंट्री में सेफ नहीं थे फंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी ठीक है, या बेनामी ट्रांजैक्शंस होते थे, तो बाहर वाले लोगों को लगता था कि भैया इनके यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए, इनके यहाँ फंड्स ही सेफ नहीं है, ओके इनके यहाँ इतना क्राइम है। तो हमारे यहाँ के ये जितने लॉज हैं इन सब की वजह से भी बाहर वालों का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, जिसकी वजह से FDI हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ओके, तो ये कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा FDI करें टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक कैपिटल। हमारे यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो कंट्री का डेवलपमेंट अगर करना है तो इसके लिए हमें बाहर वालों का पैसा चाहिए। एंड स्किल्स फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। FDI as distinguished from foreign portfolio investment has the connotation of establishing a lasting interest in an enterprise that is resident in an economy other than that of investor. कह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लास्टिंग इंटरेस्ट है। लास्टिंग इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली अब वो हमारे शेयर होल्डर बन गए हैं, तो उनका देखिए किसी पर्सन ने किसी कंपनी को लोन दिया या किसी पर्सन ने किसी कंपनी में शेयर लगा दिया, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा? जिसने शेयर लगाया, क्योंकि अब उसका कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा फोकस है। ओके, तो ये कह रहे हैं FDI से बाहर वालों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है हमारी कंपनी में। ओके, अब नेक्स्ट आइए जो मार्क करना है यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जनरल कंडीशंस ऑन FDI। अब ये कंडीशंस है FDI की, जिसमें सबसे पहले बता रहे हैं एलिजिबल इन्वेस्टर्स, और इसी के आगे देखना जहां ये पॉइंट्स खत्म होंगे वहां एक हेडिंग होगी एलिजिबल इन्वेस्टी। मिला फर्क क्या है? नॉन रेसिडेंट्स, ओके यस, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं। एलिजिबल इन्वेस्टर मतलब वो लोग जो पैसा लगा रहे हैं, कौन पैसा लगा रहा है? नॉन रेसिडेंट। और एलिजिबल इन्वेस्टी का मतलब क्या हुआ? जहां पैसा लगाया जा रहा है, यानी इंडिया की वो कौन कौन सी एरियाज हैं, कंपनीज हैं जिनमें FDI लगाना अलाउड है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिजिबल इन्वेस्टर्स, बाहर के वो कौन कौन से लोग हैं जो पैसा लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू FDI पॉलिसी except in those sectors which are prohibited. बस जितना जितना मार्क कर रहे हो उतना sufficient है, बताओ इतना समझ में आया? कह रहे नॉन रेसिडेंट यहां लगा सकता है FDI पॉलिसी के हिसाब से, कहां नहीं लगा सकता? जहां प्रोहिबिटेड है। ओके फाइन, पॉइंट नंबर टू मार्क करिए, NRI रेसिडेंट इन नेपाल एंड भूटान, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो कहां रहते हैं, नेपाल या भूटान में, as well as citizens of Nepal and Bhutan are permitted to invest in the capital of Indian company. वो Indian company की capital में पैसा लगा सकते हैं on repatriation basis. ये word याद आया? हाँ, repatriation. अब repatriation का मतलब यहाँ समझो क्या हुआ? कह रहे हैं उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने share में पैसा लगाया, तो share से उनकी income arise होगी, let's say dividend. रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि वो डिविडेंड अपने देश वापस लेके जा सकते हैं, और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो इनकम अर्न हुई है वो आपको यहीं पे रखनी पड़ेगी, वापस नहीं लेके जा सकते। हमको सोच के बताओ, नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में पैसा लगाया, शेयर्स लिए, उस शेयर पे डिविडेंड अराइज हुआ, तो एक तरीका तो ये हुआ कि वो डिविडेंड वो अपनी कंट्री में लेके चला गया, दैट इज रिपैट्रिएशन। अगर मान लो इंडिया ये कहती है कि आप यहाँ पैसा लगाइए लेकिन जो इनकम अराइज होगी दैट विल बी ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, तो नॉन रेसिडेंट वो पैसा अपना यहां पर ही किस फॉर्म में रखेगा? मतलब या तो वो अपना पैसा वापस ले जाए
और अगर हम नॉन रेजिडेंट से कह रहे हैं तुम यहाँ पे जो अपनी इनकम अर्न करोगे वो वापस नहीं लेके जा सकते हो, इंडिया में ही रखनी पड़ेगी। नॉन रेजिडेंट का जो इंडियन रुपी अकाउंट था याद आया आपको? यस, FCNR अकाउंट। ये वाले जो अकाउंट होते हैं इसमें पैसा या तो आप यहाँ पर ही कहीं खर्च कर दीजिए या तो आप अपने यहाँ के अकाउंट में होल्ड कर लीजिए, वो होता है नॉन रिपैट्रिएशन। और रिपैट्रिएशन मतलब आप अपने देश वापस लेके चले जाओ। तो कह रहे नेपाल भूटान को लेके जाना अलाउड है, रिपैट्रिएशन अलाउड है। अगर नेपाल भूटान के NRI हैं और वो यहाँ पैसा लगा रहे हैं तो दे आर अलाउड, और वो जो भी इनकम अराइज होगी उसको अपने देश में रिपैट्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट मार्क करिए, OCB। ये OCB होती हैं, अगले उसमें देखो ब्लॉक में लिखा है ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। पहले देखो ये OCB होती क्या है। OCB मीन्स अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी और अदर कॉर्पोरेट बॉडी ओन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये बात समझ में आई? ये ऐसी कंपनीज हैं जिसमें 60% से ज्यादा कौन होल्ड कर रहा है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। इनको हम लोग OCB कहते हैं, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। इतनी बात समझ में आई? ये कंपनीज हैं या ट्रस्ट हैं या पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 60% से ज्यादा नॉन रेसिडेंट होल्ड कर रहे हैं, यानी देखा जाए तो इन कंपनीज का ओनर कौन है? नॉन रेसिडेंट्स। अब ये कह रहे हैं ऊपर देखो, ये जो OCBs थी हैव बीन डी रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब हमको ये बताओ ये OCBs FDI कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि इनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था 2003 से। लेकिन अर्थवाइल OCB, अर्थवाइल मतलब पहले वाली, 2003 के पहले जो OCBs थी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड आर नॉट अंडर द एडवर्स नोटिस ऑफ RBI कैन मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एज इनकॉर्पोरेटेड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज इन अकॉर्डेंस विद FDI पॉलिसी। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले OCB कौन होते हैं ये समझो। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी मतलब ये बाहर बनी है जिसमें 60% से ज्यादा कौन होल्ड कर रहा है? NRI। 2003 से OCB को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है कि आप इंडिया में FDI नहीं कर सकते। लेकिन 2003 के पहले तो कुछ कंपनीज होंगी जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी होंगी, वो कर सकती हैं, और वो ही लोग अगर चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं। कोई नई OCB 2003 के बाद FDI नहीं लगाएगी, जो पुरानी वाली थी वो लगा सकती हैं। ये पॉइंट समझ में आया? हम लोग देखिए अब क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिजिबल इन्वेस्टर। एलिजिबल इन्वेस्टर में फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा? नेपाल भूटान वाले जो रिपैट्रिएशन पे लगा सकते हैं। और तीसरा किसका पढ़ा? OCB। बस चार पांच कर लेंगे, सफिशियंट है। फोर्थ देखो कौन लगा सकता है? कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म। ये सब इंडिया की हों कि बाहर की? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई NRI कैन इन्वेस्ट इन इंडिया विद अ स्पेशल डिस्पेंसेशन एज अवेलेबल टू NRI अंडर FDI पॉलिसी। यानी बाहर के ट्रस्ट, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म जिनको NRI कंट्रोल कर रहा है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये भी वही हो गए। अब ये इंडिया में पैसा एक जगह लगाने की बजाय अलग अलग जगह लगा रहे हैं, पोर्टफोलियो बना के लगा रहे हैं। कह रहे हैं बाहर के जो FPI हैं वो भी यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। ओके, बस ठीक है, 4-5 पॉइंट्स कर लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद मार्क करो एलिजिबल इन्वेस्टी कौन कौन है। अब ये इन्वेस्टी कहाँ की कंपनी हुई? इंडिया की। कहाँ लगा सकते हैं? फर्स्ट इंडियन कंपनी। कह रहे हैं इंडियन कंपनी कैन इशू कैपिटल अगेंस्ट FDI, ठीक है। यानी बाहर वाले अगर इंडिया की कंपनीज में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सेकंड देखो पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। सोचो कौन कहाँ लगा रहा है? बाहर वाले पैसा लगा रहे हैं यहाँ की पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न क्या हुई? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये कह रहे हैं बाहर वाले अगर यहाँ के पार्टनरशिप फॉर्म या सोल प्रोप्राइटर में लगा रहे हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट, नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ अ फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इन इंडिया ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, पहली शर्त। यानी अगर बाहर वाले यहाँ की पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर में लगा रहे हैं तो उससे जो इनकम अराइज होगी उसको वो वापस अपने देश लेके नहीं जा सकते हैं। प्रोवाइडेड अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाई वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और आउट ऑफ NRE FCNR अकाउंट।
कह रहे हैं कैसे इन्वेस्ट करेंगे, या तो वहां से पैसा भेजें और या तो उनका यहाँ पे जो अकाउंट था उससे वो इन्वेस्टमेंट कर दें। सेकेंड, जिस पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में वो पैसा लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करो, इट शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और रियल एस्टेट और प्रिंट मीडिया सेक्टर। ये चार सेक्टर्स प्रोहिबिटेड हैं, कह रहे इनमें नहीं लगा सकते आप। कौन कौन से? एग्रीकल्चर या प्लांटेशन है, रियल एस्टेट है और प्रिंट मीडिया सेक्टर। इन सेक्टर्स में आप पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। और कह रहे हैं तीसरी शर्त ये है, जो भी आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपकी जो भी इनकम अराइज होगी वो आप इंडिया के बाहर रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, ओके? तो अगर बाहर वाले यहाँ की पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसकी ये तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इनवर्ड रेमिटेंस से या उन अकाउंट से पैसा ला के लगाओ। दूसरा, इन सेक्टर्स में नहीं लगा सकते। और तीसरा, वो पैसा आप बाहर लेके नहीं जा सकते। सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ो, इन्वेस्टमेंट विद रिपैट्रिएशन ऑप्शन। हाँ, कह रहे हैं वैसे तो नॉन रिपैट्रिएशन होता है, लेकिन अगर आप रिपैट्रिएशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ओके? अगला पॉइंट देखो किसके लिए है, इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट अदर देन एनआरआई। पहला वाला पॉइंट किसके लिए था? एनआरआई के लिए था, ठीक है। ये जो फर्स्ट टू पॉइंट्स है ये किसके लिए थे? एनआरआई के लिए। अब ये थर्ड वाला किसके लिए है? अदर देन एनआरआई के लिए। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन एनआरआई मे मेक एन एप्लीकेशन एंड सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। इसका मतलब बेसिक बात समझे, जो नॉर्मल एनआरआई है वो अगर यहाँ की पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में लगाना चाहते हैं तो उनको अप्रूवल नहीं लेनी, बस ये कंडीशंस फॉलो करनी है। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट्स हैं जो यहाँ की पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में लगाना चाहते हैं तो उनको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी? आरबीआई की। एंड वही चीज देखो, कौन से सेक्टर में नहीं लगा सकते, ये दोनों के लिए प्रोहिबिटेड है। एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल एस्टेट, प्रिंट मीडिया, इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। थर्ड है ट्रस्ट। बताओ कौन कहाँ पैसा लगा रहा है? नॉन रेसिडेंट्स है वो यहाँ के ट्रस्ट में पैसा लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज नॉट परमिटेड इन ट्रस्ट। मतलब बाहर वाले यहाँ के ट्रस्ट में पैसा नहीं लगा सकते, सिर्फ वीसी वेंचर कैपिटल फंड वाले जो ट्रस्ट होते हैं उसमें लगा सकते। वेंचर कैपिटल फंड जो नए नए वेंचर्स होते हैं ना, वो होता ही इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, उसमें लगा सकते। अगले वाले पॉइंट में कहाँ लगाना चाह रहे हैं? एलएलपी, यानी नॉन रेसिडेंट्स हैं जो यहाँ की एलएलपी में पैसा लगाना चाह रहे हैं। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी इज परमिटेड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अब पहला वाला पढ़ के देखो, समझ आ रहा है? वो यहाँ के कौन सी एलएलपी में पैसा लगा सकते हैं बताइए? बाहर वाले यहाँ की कौन सी एलएलपी में पैसा लगा सकते हैं? हाँ, कह रहे हैं बाहर वाले अगर यहाँ की एलएलपी में पैसा लगाना चाहते हैं तो उन एलएलपी में लगाएं जो ऐसे सेक्टर में हो जिसमें 100% एफडीआई अलाउड हो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाहर वाले कहाँ पैसा लगा रहे हैं? यहाँ की एलएलपी में। वो एलएलपी ऐसा बिजनेस करती हो जो बिजनेस 100% एफडीआई में अलाउड हो, ओके? तो हम उसको कौन से रूट में रखेंगे? ऑटोमेटिक रूट। यानी अगर बाहर का कोई पर्सन यहाँ की एलएलपी में पैसा लगाना चाह रहा है जो ऐसे सेक्टर में है जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है, तो बताइए वो अप्रूवल रूट के थ्रू जाएगा कि ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, कह रहे कोई अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगले पॉइंट में लिखा है, एन इंडियन कंपनी और एन एलएलपी हैविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो परमिटेड टू मेक डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी और एलएलपी इन सेक्टर इन विच 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड देर आर नो एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस। इसका मतलब समझिए, अंडरस्टैंड करिए, एक है नॉन रेसिडेंट एंटिटी, ठीक है, और एक है यहाँ पर एलएलपी, ओके? नॉन रेसिडेंट एलएलपी में पैसा लगा रहा है, ठीक है। ये एलएलपी अगर ऐसे सेक्टर में है जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है तो वो कौन सी रूट में हो गई? ऑटोमेटिक रूट में। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन समझना, कह रहे हैं नॉन रेसिडेंट है, एक एलएलपी है और एलएलपी ने पैसा लगाया है एक दूसरी एलएलपी में, ठीक है।
अब ये वाली एलएलपी भी ऐसे सेक्टर में है जहां 100% एफडीआई अलाउड है, ये वाली एलएलपी भी ऐसी है जहां 100% एफडीआई अलाउड है, तो ये जो नॉन रेसिडेंट है ये इसमें पैसा लगा सकता है और ये वाली एलएलपी इसमें पैसा लगा सकती है। इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। डाउन स्ट्रीम समझ गए? ओके, कह रहे हैं ये दोनों अगर ऐसे सेक्टर्स में हैं जहां 100% एफडीआई अलाउड है तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नॉन रेसिडेंट पैसा लगा सकता है। डाउन स्ट्रीम समझ गए? इसी में एक और चीज समझिए, मान लो ये एलएलपी की जगह होती कंपनी, ये कंपनी है, नॉन रेसिडेंट ने एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाया और उस कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है किसमें, एलएलपी में, तो भी ये कह रहे हैं कि अगर वो कंपनी 100% एफडीआई के सेक्टर में आती है तो ये अलाउड है, अदरवाइज नॉट। समझ आ गई बात? डाउन स्ट्रीम क्लियर है? देखो क्या लिखा है, एन इंडियन कंपनी और एन एलएलपी हैविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये वो फर्स्ट वाली कंपनी है, कह रहे हैं एक कंपनी या एलएलपी जिसके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इज ऑल्सो परमिटेड टू मेक डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी और एलएलपी इन सेक्टर इन विच 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। एनी डाउट? हाँ बेटा, हाँ हाँ ये वर्ड का मतलब समझ लो, लास्ट में एक लाइन लिखी है, एंड देयर आर नो एफडीआई लिंक्ड परफॉर्मेंस कंडीशन। एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होती है? सरकार कई बार ये कहती है कि अगर आप एफडीआई ले रहे हो तो आपको कुछ परफॉर्म करना है, मतलब आपको ये काम करना पड़ेगा। ओके, तो कई बार गवर्नमेंट ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाती है कंपनीज के ऊपर कि अगर तुम्हें एफडीआई लेनी है तो उस पैसे से तुम क्या करोगे, ये भी तुम्हें कंडीशंस लगा रहे हैं हम तुम्हारे ऊपर। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अगर तुम 100% एफडीआई फ्री वाली सेक्टर में हो तो तुम्हारे ऊपर हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, तुम एफडीआई ले लो, तुम्हें जिस पर्पस के लिए यूज करना है तुम यूज कर लो। तो एफडीआई लिंक्ड कोई परफॉर्मेंस कंडीशंस नहीं है। हम लोग एलिजिबल इन्वेस्टर्स पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टी पढ़ रहे हैं? इन्वेस्टी मतलब कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, इंडियन कंपनी, दूसरा क्या था, पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और तीसरा क्या था, ट्रस्ट, और चौथा क्या है, एलएलपी। क्लियर है? ओके, फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, एंड एंटिटी बीइंग इन्वेस्टमेंट व्हीकल। नाउ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में देखिए ये आ जाते हैं, अगर आपने कभी नाम सुना हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कुछ ट्रस्ट होते हैं, नाम से समझो, अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ओके, देखिए होता क्या था, पहले सरकार को जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करवाना था तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकार को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, फंड की जरूरत थी, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना ये पैसा लोगों से रेज किया जाए। अब हम लोगों से कैसे ये डायरेक्ट कहें कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ, आप डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे पैसा लगा सकते हैं, आप थोड़ी ब्रिज बनवाने लग जाओगे। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स यानी इन्होंने क्या किया, ट्रस्ट बनाए, इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। ठीक है, मान लो इस ट्रस्ट का नाम उन्होंने रखा इनविट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रखा और इसके यूनिट्स बांट दिए लोगों को, जैसे म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, तो इसके यूनिट्स बांट दिए। अब मान लीजिए आपने एज एन इन्वेस्टर इसका यूनिट खरीद लिया, ठीक है, 10 रुपए का आपने यूनिट की तरह इन्वेस्ट किया, वो पैसा कहाँ आ गया, इस ट्रस्ट में, और इस ट्रस्ट का पैसा कहाँ लगाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर उससे जो रिटर्न जनरेट होगा वो इन यूनिट होल्डर्स को मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया था रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, लोग इस ट्रस्ट में पैसा लगाते हैं यूनिट्स के फॉर्म में। अब देखा जाए तो वो रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में भी कंपनी में पैसा लगा रहे थे लेकिन डायरेक्टली नहीं लगा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हैं, रियल एस्टेट में लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं, ट्रस्ट के थ्रू लगा रहे हैं, और ट्रस्ट में जो पैसा इकट्ठा होता था वो लगा दिया जाएगा रियल एस्टेट सेक्टर में। तो वही ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल, मतलब बाहर वाले पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर कहाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। ठीक है, फाइन, इनके इनमें भी पैसा लगाया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बताइए बाहर वाले कहाँ पैसा लगा रहे हैं, ये बहुत चल रहा है आजकल, इसकी कंडीशंस हैं, कह रहे हैं बाहर वाले कहाँ पैसा लगा रहे हैं, यहाँ के स्टार्टअप्स पे। स्टार्टअप कैन इशू इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू
FVCI against the receipt of foreign remittance, यानी स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, बाहर वालों से पैसा ले रहे हैं और बदले में उनको शेयर इशू कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट मार्क करना है यहाँ से, स्टार्टअप कैन इशू कन्वर्टेबल नोट्स टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू अ फॉलोइंग कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस चीज की कंडीशंस है आपको समझ आ रहा है? स्टार्टअप्स जो है वो वहां से पैसा लेके उनको कन्वर्टेबल नोट इशू कर रहे हैं। व्हाट इज अ कन्वर्टेबल नोट? कन्वर्टेबल नोट मतलब आज वो शेयर नहीं है लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर स्टार्टअप कंपनी बाहर से पैसा लेना चाहती है तो ले सकती है, बदले में उनको कन्वर्टेबल नोट दे, लेकिन उसके लिए कोई शर्तें हैं हमारी। सबसे पहली शर्त देखो क्या है, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मे परचेज कन्वर्टेबल नोट्स इशूड बाय इंडियन स्टार्टअप कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर इन अ सिंगल ट्रांच, यानी एक बार में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो कितने तक का करे, 25 लाख रुपीज और मोर। ओके हाँ बेटा, हाँ ये कह सकते हैं रिवर्स में, मतलब ऐसे समझो ना, ये कह रहे हैं कि अगर बाहर वाली स्टार्टअप में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। मतलब कौन कौन से स्टार्टअप FDI रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड देखिए कह रहे हैं, अ स्टार्टअप कंपनी एंगेज्ड इन अ सेक्टर वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल मे इशू कन्वर्टेबल नोट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कह रहे हैं अगर स्टार्टअप किसी ऐसे सेक्टर में है जिस सेक्टर में गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, वहां पर वो स्टार्टअप शेयर तभी इशू कर सकती है अगर उसने गवर्नमेंट की अप्रूवल ले ली हो, ठीक है। थर्ड देखो, अ स्टार्टअप कंपनी इशूइंग कन्वर्टेबल नोट टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल रिसीव द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कह रहे हैं जो पैसा आप लोगे नॉन रेसिडेंट से वो कैसे लोगे, या तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ले लो या तो उन नॉन रेसिडेंट का जो यहां पर अकाउंट है उससे डेबिट करवा दो, ठीक है। ये बात समझ में आई? या तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल मतलब आप बैंक के थ्रू भिजवा दीजिए, या तो नॉन रेसिडेंट्स का जो यहां पर अकाउंट है उस अकाउंट से डेबिट करके हमको दे दीजिए। क्लियर? बस बाकी तो सिंपल है। जैसे देखिए NRI में एक्वायर कन्वर्टेबल नोट्स ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, ये फिर वही हो गया कि हम ले सकते हैं नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे, मतलब उन कन्वर्टेबल नोट्स में जो भी इनकम अराइज होगी वो हम उनको दूसरी कंट्री में वापस नहीं ले जाने देंगे। ओके बस ठीक है, बाकी दोनों सिंपल है। जैसे सिक्स वाले देखो, स्टार्टअप कंपनी इशूइंग कन्वर्टेबल नोट शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट्स एज प्रिस्क्राइब बाय RBI, तो जो भी RBI ने इनसे इंफॉर्मेशन मांगी होगी वो इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ेगी। एंड अदर एंटिटीज में देखो क्या लिखा है, ये बहुत जरूरी था अंदर पढ़ना। अदर एंटिटी पढ़ के क्या लग रहा था, बाकी सब में भी लगा सकते हैं, है ना। कह रहे हैं FDI इन रेसिडेंट एंटिटीज अदर देन दोज मेंशन अबव इज नॉट परमिटेड, यानी सिर्फ जितने ऊपर दिए हुए हैं वो ही परमिटेड हैं, उसके अलावा बाहर वाले यहां पर पैसा नहीं लगा सकते। क्लियर? एनी डाउट? दो चीजें पढ़ ली, एलिजिबल इन्वेस्टर और एलिजिबल इन्वेस्टिंग। अब इसके आगे देखो वही है, एंट्री रूट से ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट, ठीक है। ये एक बार रीड कर लेंगे, ऑटोमेटिक रूट गवर्नमेंट रूट ये हमने बता दिया है, जिसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए वो क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट, और जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है वो होता है गवर्नमेंट रूट, ठीक है। इसको यहीं पे आज स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। ओके हाँ बेटा, क्यों?